ओ टू ओ ओ ओ ए एक बार गलत हो गया। नहीं 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 अभी 50 वाले पहले यहाँ कौन से लाइन है? नहीं 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 ये मैं कर रहा हूँ ना। वो क्या चीज है जो सिर्फ नीचे आती है और ऊपर नहीं जाती? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? लो जी, आज आपको सामने ये देखें चीजें नजर आ रही होंगी, पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अब होने लगा मनी चैलेंज, ये दो भाइयों के दरमियान, ठीक है। और ये जो मनी है, ये जो देखे 10 रुपए, 50, 75 है, 100 है, 500, 1000 और सबसे बड़ा जो इनाम है वो 5000 वाला भी है इसके अंदर। तो ये सारे एक्चुअल में इनको मिलेंगे। तो होगा क्या कि हम इनसे सवाल करेंगे दोनों से। सो जो जो सवालों का सही आंसर देता जाएगा वो उठाता जाएगा। सो एंड पे देखते हैं कि ये कितने ज्यादा पैसे जो है ये इकट्ठा करते हैं। तो रेडी है जी आप लोग? चले ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ओके जी, सवाल मैंने लिख लिए हुए, ठीक है। अब इनसे मैं सवालों के जवाब लूंगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या आंसर करते हैं। लो जी, पहला सवाल है, पानी को बनाने वाले दो एलिमेंट्स जो हैं उनका नाम बताएं। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है। इब्राहिम, किससे पहले हाथ खड़ा किया था बताओ? जवाद भाई ने। चल भाई जवाद भाई, कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिससे पानी बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बिल्कुल सही जवाब। पहले 10 रुपए आपके हो गए। लो जी, अगला जरा सा मुश्किल सवाल होने लगा है। कहते हैं जी, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ का नाम क्या है? बुरहान को ये भी नहीं आ रहा। जनरल आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर के आसिफ मुनीर। आसिफ, आसिफ मुनीर, बिल्कुल ठीक। नहीं भाईजान, वो 10 रुपए अभी 50 वाले पहले यहाँ कौन से लाइन है? नहीं 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 नहीं, ये मैं कर रहा हूँ ना, मैंने बनाया हुआ है, ये मेरी वीडियो है। थोड़े पैसे लो पहले। हाँ, अभी ये 10-10 वाला सवाल था, अब 50-50 वाले सवाल आएंगे। वो तो अपनी अपनी लाइन से नहीं करना, मेरी मर्जी, ठीक है ना। मैं बना रहा हूँ ना, मैं चैलेंज करवा रहा हूँ तुम लोगों को, तो मैं जैसे कहूंगा वैसे होगा। अब 50 वाले आंसर जो सवाल है वो आएंगे। अब 50 रुपए के लिए सवाल आने लगा जी, वो क्या चीज है जो सिर्फ नीचे आती है और ऊपर नहीं जाती? बुरहान को नहीं आ रहा। चलो जी, गर्म हवा। गर्म हवा, गर्म हवा नीचे आती है ऊपर आती? बुरहान साहब आप बताएं। ऊपर आती है, गर्म हवा ऊपर जाती है। गर्म हवा ऊपर जाती है, ये गलत है। फिर सोच सकते हैं आप लोग, कौन सी चीज है जो सिर्फ नीचे आती है ऊपर नहीं जा सकती? लो जी, दोनों को नहीं आता आंसर, तो एक नया करेक्टर जो है बीच में इजाफा होगा। इब्राहिम आ जाओ बीच में आ गए। तो इब्राहिम से एकदम कह रहा था मुझे आता है इसका आंसर। तो इब्राहिम बताओ भाई, कौन सी चीज है जो सिर्फ नीचे आती है ऊपर नहीं जा सकती? बारिश। बारिश, बिल्कुल सही जवाब। बारिश नीचे आती है, जाहिर बारिश ऊपर नहीं जा सकती। तो ये 50 आप उठा के भाग जाए, साइड हो जाए। चलो जी, अगला सवाल है। अभी ये 50 रुपए वाला सवाल रहता है। तो ये है जी, अब मुझे ये बताएं, ओजोन का फार्मूला क्या है? ओजोन का फार्मूला, बुरहान ने पहले हाथ खड़ा किया जी। 100% याद है, ओ टू ओ टू ओ ओ नहीं नहीं, आप देखो ना, ट्राई किया ना, ट्राई किया, देखे ऑक्सीजन उसने बताई, ओ टू गैस और एक और ऑक्सीजन का एटम डाल लिया तो ओ थ्री बन गया ना। तो ये ठीक है, इतना का मार्जिन हम दे सकते हैं। तो दिस 550 रुपीज जो है ये आपके हो गए। अब हम आ रहे हैं 75 वाले पे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग वाला। यूट्यूब में, अब ये सोच के बताना है, यूट्यूब में सबसे जल्दी, एकदम आपने ध्यान रखना, हाथ कौन पहले खड़ा होता है। यूट्यूब में सबसे जल्दी 10 मिलियन फॉलोअर्स का रिकॉर्ड है। सवाल होने के बाद हाथ खड़ा करना, नहीं सवाल हाथ खड़ा करना, सवाल होने के बाद हाथ खड़ा करते हैं। चल, अब उसने कर दिया ना, उसको पहले समझ आ गई था क्वेश्चन, पता है उसने कितना मिला, उसको क्वेश्चन की चूंकि समझ आ गई कि भाई आगे से यही होगा, तो उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो 10 मिलियन फॉलोअर्स, योर क्रिस्टियानो। कौन? क्रिस्टियानो, उसके चैनल का नाम है क्रिस्टियानो। अच्छा, उसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो रोनाल्डो ने एक दिन के अंदर ही जो है स्पेसिफिकली 23 मिलियन पे इस टाइम जो है वो मौजूद है। हम लोग देखें कब से मेहनत कर रहे हैं और बहरहाल उसकी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। तो ये 75 आपके हो गए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी चीज है जिसे इस्तेमाल करने से पहले तोड़ना पड़ता है? इस्तेमाल करने से पहले, इब्राहिम ने हाथ खड़ा कर दिया पीछे। अच्छा जी, इधर भी हाथ खड़ा हो गया। ओके, बताएं जी। कोकोनट। कोकोनट,
हाँ, खाने के लिए नारियल खाने के लिए तो है इस्तेमाल कर खाना इस्तेमाल आप तकरीबन ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकता है। इब्राहिम आप क्या बता रहे थे वही सब बता दो क्या था। हाँ पर खाने से पहले तोड़ना होता है उसे। एक और चीज है, मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ है केले को तोड़ते हैं। आपको कोई जेन में आया नहीं आया, ये एक्चुअली था अंडा, ज्यादा बेहतर आंसर। अच्छा। अंडे को आप तोड़ेंगे उसको फिर खाएंगे ना, फिर इस्तेमाल करेंगे, तो तकरीबन ठीक आंसर है। अगले 75 ये आपके हुए। लो जी बड़ा मजे का क्वेश्चन आने लगा है, डकी भाई के कितने फॉलोअर्स हैं इस टाइम। अब ये किसी को भी एग्जैक्ट नहीं आता होगा, तो जो ज्यादा नजदीकी आंसर होगा दोनों का उसका हम आंसर ज्यादा बेहतर समझेंगे। मैंने अभी मैं चेक करके आया था तो इसलिए मुझे सही पता है आंसर का। तो पहले जवाद ने हाथ खड़ा किया, जवाद बताओ जी कितने फॉलोअर्स होंगे उसके अंदाजन, आपने अंदाजा लगाना। मैन ये गलत सवाल है, तुम जाहिर है आपने हाथ खड़ा किया, सवाल हो गया। मैंने गैस लगाया, इसे पता चल जाने कितने हैं। तो चलो पहले वो गैस लगा, पहले मैंने पहले उसने हाथ खड़ा किया, हाँ आपने खड़ा किया ना, तो पहले आपने गैस करना। चलो जी कोई बात नहीं, पहले आप गैस करो। 7.2 आप बताओ जी। मैं 7.25 कह देता हूँ, मुझे कोई नहीं, तो वो आगे पीछे भी तो हो सकता है, नहीं तो कम ज्यादा भी तो हो सकता है ना। 7.4 तो एक्चुअल है जनाब 7.8 मिलियन। ये देखा हाँ, तो ये इस दफा पहले हाथ ऊपर खड़ा करने से तुम्हें नुकसान हो गया, तो बहरहाल नुकसान भी कभी होता है। तो चले जी नेक्स्ट 100 जो है बुरहान के पास चले गए। ओके अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा, वो कौन सी चीज है, बड़े मजे का सवाल है, वो कौन सी चीज है जो है तो आपकी लेकिन इस्तेमाल दूसरे ज्यादा करते हैं। नाम ये क्या बात है, इसने सुना ये फटाफट ही हार खड़ा कर देता है, ये तो गलत बात है। ओके लो जी अब हमारे पास रह गए हैं बड़े बड़े इनाम, तो बड़े इनाम जो है देखते हैं। जैकपॉट ये 5000 का जो है पड़ा हुआ अभी। इब्राहिम साहब वीडियो खराब नहीं करनी, पीछे हट जाओ ठीक है। तो 5 इनाम रहते हैं, 5 बड़े बड़े सवाल आएंगे। अच्छा आप सवाल थोड़ा मुश्किल करने की कोशिश करते हैं, किसी ऐसी मूवी का नाम बताएं जो जिसमें साइंस फिक्शन भी हो और एडवेंचर भी हो। अब अगेन जवाब ने पहले हाथ खड़ा कर दिया है क्या हो सकता है, इंटरस्टेलर, उसमें एडवेंचर भी था और साइंस फिक्शन भी थी। वैसे बुरहान आपके दिल में क्या रहा है, ठहर जा स्टार ट्रैक मैंने कहा था, स्टार ट्रैक भी है, बहुत सारी मूवीज हैं। असल में हमें सबको ना मूवीज देखने का बड़ा शौक है, तो वो हमें पता चल रहा था। ओके अभी जो क्वेश्चन करूंगा ना, मुझे लगता है कि बुरहान ने हाथ पहले खड़ा कर देना। पाकिस्तान ने जिस खेल में अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल, अब तुम सवाल है क्या, पहले हाथ खड़ा कर दिया, जिस खेल में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया है उस खेल का नाम क्या है। अब ये नाम गलत हुआ ना तो हमने सारे पैसे वापस ले लेंगे। नाम की स्पेलिंग ही पूछे उससे इसको स्पेलिंग नहीं आती होने। चल भाई जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये फिर ये 500 आप मारे होंगे, ये अब गलत बात है। बुरहान की तरफ कम पैसे जा रहे हैं। लो जी मैथ का क्वेश्चन करते हैं। अगर 5 आदमी एक दीवार 10 दिन में बनाते हैं, 5 आदमी है एक दीवार बना रहे हैं और 10 दिन में बनाते हैं, तो अगर 10 बंदे लगा दिए जाएं तो कितने दिनों में कितने दिनों में। अब चूंकि बुरहान ने भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पे किया है, तो हम इस दफा लेवरेज देते हैं बुरहान को, क्योंकि मैं जज हूं तो मैं थोड़ा सा कर सकता हूं वैसे। तो बुरहान आप बताएं कि 10 आदमी लगे तो कितने दिनों में जो है वो दीवार बनाएंगे। 5 दिनों में, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल इस तरह के MCQs आते हैं कि भाई 5 आदमी 10 दिनों में बना रहे हैं, तो फिर 10 आदमी कितने दिनों में, वो 5 में हो जाएगा। तो चलो जी नेक्स्ट वाला 1000 गया होगा। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 रुपए के लिए, फोटोसिंथेसिस क्या है, कौन एक्सप्लेन करेगा फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं। अब फंस गए दोनों फोटोसिंथेसिस क्या है, मेरे ख्याल में बुरहान को ज्यादा आनी चाहिए, इसको तो मैंने रिसेंटली 8th क्लास में पढ़ाया। फोटोसिंथेसिस क्या थी भला, बुरहान बताएगा, चल भी बता।
सूरज की शुआओं को इस्तेमाल करके पौधों का खाना बनाने के अमल को फोटोसिंथेसिस। यस बिल्कुल सही है, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो डिफरेंट चीजों को यूज करके, हाली सूरज की शुआएं नहीं है बाकी चीजें भी हैं, तो उनको यूज करके बनाते हैं। सो दिस 1000 इज योर्स, यू कैन टेक इट। लो जी अब आखिरी सवाल होगा, और आखिरी सवाल बहुत ही अहम है, 5000 रुपये का सवाल है। तो अब ये इब्राहिम पूरा फोकस रखना है कि किसने हाथ पहले खड़ा करना है ऊपर, क्योंकि अब इसमें हमने बिल्कुल ईमानदारी के साथ चलना है, जो जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसको जो है। और सवाल भी मेरे ख्याल में आसान सा ही रह गया हुआ है, मेरे हिसाब से तो बड़ा आसान है, तो अब देखते हैं कि कौन इसका जवाब दे सकता है। नबी करीम सल्लम के बाद, चलो मैं सवाल को थोड़ा टफ कर लेता हूँ, मे भी टफ हो जाए, नबी करीम सल्लम के बाद दूसरे खलीफा कौन थे? सवाल है दूसरे खलीफा जी बताओ। अबू बकर सिद्दीक जी, आप लोग बताए, सेकंड खलीफा जो थे वो हजरत अबू बकर थे भला। तो इसके लिए ऑप्शन जो है हम जवाब से दोबारा पूछ लेते हैं। हाँ जी, अबू बकर थे या कोई और थे? उमर थे। यस हजरत उमर थे, मैंने उसको ऑप्शन भी दिया लेकिन वो जल्दी में शायद गलत कर बैठा है। तो ये आखिरी 5000 भी जवाब के पास चले गए, तो ये काफी सारे पैसे जवाब के पास जा रहे हैं, और बुरहान के पास भी चले एटलीस्ट कितने, 1000 का नोट तो है ही, और उसके अलावा छोटे छोटे नोट 2-4 हैं। तो ये था जी आज का हमारा चैलेंज, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों को कोई और चैलेंज अच्छा लगता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम वो वाला चैलेंज भी करते हैं। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।